एलसीआर सीरीज याद है? एलसीआर सीरीज ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। एल सी आर सीरीज ठीक है। इसके अंदर हमने कहा था कि हमारा फेजर बनता था, करंट का बन जाएगा आई नॉट, इधर हो जाएगा आई नॉट आर, करंट अहेड पोटेंशियल कैपेसिटर में हो जाएगा आई नॉट एक्सी, ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, ये बन जाएगा, दो केस बनेंगे या रादर तीन केस बनेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी, ये हो जाएगा आई नॉट आर, ये था आई नॉट, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा वी नॉट, वी नॉट इज आई नॉट जेड, ये बन जाएगा आई नॉट, इम्पीडेंस हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां तक का समझ में आ गया था। फिर मैंने कहा था ये जो तुमने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसके ओमेगा पे इम्पीडेंस डिपेंड करेगा, इसके ओमेगा पे इम्पीडेंस डिपेंड करेगा ठीक है। तो करंट की जो पीक वैल्यू बनेगी, जो करंट की पीक वैल्यू बनेगी, एक सेकेंड, ये हो क्या गया है पंखे एसी को, हाँ, तो करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। फिर मैंने कहा था इफ यू चेंज ओमेगा, इफ यू चेंज ओमेगा योर करंट की पीक वैल्यू वैल्यू विल चेंज एंड करंट की पीक वैल्यू विल बी मैक्सिमम पॉसिबल व्हेन इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड इम्पीडेंस मिनिमम, यहां पर ये क्वांटिटी हमेशा स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो। कब होगी? ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी जीरो हो जाए, तो ओमेगा अप्लाइड कितना हो जाना चाहिए? ओमेगा अप्लाइड शुड बी वन बाय रूट एल सी। उस केस में हमारा करंट की पीक वैल्यू विल बी मैक्सिमम पॉसिबल और वो मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगी वी नॉट बाय आर, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज रिजोनेंस इन एल सी आर, रिजोनेंस इन एल सी आर सीरीज सर्किट। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? ये चीज मैंने रीकैप करी है, पहले करा चुका हूं मैं ठीक है सर गाइस, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर करंट की पीक वैल्यू थी वी नॉट बाय जेड, ये थी बेसिकली वी नॉट अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी का होल स्क्वेयर, और करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम थी वी नॉट बाय आर, ये केस थ्री में थी। केस थ्री कौन सा था? जब हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था। कैसा था? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाएं गाइस? करंट की पीक वैल्यू वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये पर्टिकुलर ओमेगा आएगा, ये पर्टिकुलर ओमेगा आएगा, रिजोनेंस वाला ओमेगा, इसको बोल दिया ओमेगा नॉट, ये वैल्यू थी वन बाय रूट एल सी। अगर ओमेगा अप्लाइड इससे ज्यादा कर दूंगा तो भी करंट की पीक वैल्यू कम हो जाएगी, इससे कम कर दूंगा तो भी करंट की पीक वैल्यू कम हो जाएगी। इस पर्टिकुलर पे करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट बाय आर, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट बाय आर। गॉट इट और नॉट?
अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ये रिजोनेंस कितनी शार्प है, ये रिजोनेंस कितनी शार्प है। ये शार्प का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ग्राफ दो तरीके से बन सकता था। मान लो या तो ये ग्राफ ऐसे बना होता और ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, थोड़ा सा चौड़ा बना देते हैं, ऐसे भी हो सकता था। कौन सी रिजोनेंस शार्प है, केस वन वाली रिजोनेंस शार्प है या केस टू वाली रिजोनेंस शार्प है? वन वन वाली शार्प है। शार्प का मतलब ये हुआ कि ओमेगा नॉट से ओमेगा चेंज किया जाए, ओमेगा नॉट से ओमेगा चेंज किया जाए तो करंट की पीक वैल्यू बड़ी जल्दी जल्दी गिर जाए। कहानी समझ में आई या नहीं आई? करंट की पीक वैल्यू बड़ी जल्दी जल्दी अगर गिर गई, अगर मैं रिजोनेंस वाले ओमेगा से आगे पीछे गया तो मैं कहूंगा शार्प रिजोनेंस है, और एकदम से नहीं गिरी तो हम कहेंगे शार्प नहीं है। ये स्टोरी अगर याद आ रही हो तो मैंने एलसीआर के अंदर रिजोनेंस में कराया था, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज वाली बात को लेके। यू रिमेम्बर दैट? मैंने कहा था एफएम होता है और एएम होता है, आकाश हाँ आकाशवाणी होता है, आकाशवाणी किलो हर्ट्ज पे काम करता है, और हमारा जो एफएम चल रहा है आजकल वो मेगा हर्ट्ज पे काम मेगा करता है। तो मेगा हर्ट्ज वाला, क्योंकि ओमेगा बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, शार्प रिजोनेंस आती है। और अगर हमारा ओमेगा हमारा किलो हर्ट्ज के अंदर था, फ्रीक्वेंसी अगर किलो हर्ट्ज में थी, ओमेगा इज 2 पाई f होता है बाय द वे, तो अगर वो क्या बोलते हैं किलो हर्ट्ज में थी तो रिजोनेंस शार्प नहीं होगी। ये मैंने समझाया था, गॉट इट और नॉट? तो अगर कोई कहे कि शार्पनेस को मैथमेटिकली डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? मैं सोच रहा हूं कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? कि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ओमेगा नॉट पे। ऐसा ओमेगा निकालें जहां पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू का सपोज कितना हो जाए, √2 टाइम्स कम हो जाए। सही है? अब तुम √2 ही क्यों लेके चले, आधा क्यों नहीं ले लिया? चलो √2 ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी को मान लिया मैंने डेल्टा ओमेगा और ये क्वांटिटी को भी मैंने मान लिया डेल्टा ओमेगा, तो यहां पर ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और यहां पर ओमेगा हो जाएगा हमारा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, शार्पनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? शार्पनेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि एक क्वांटिटी डिफाइन कर दें, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, इसको डिफाइन कर दें ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं वो बेसिकली क्या कह रहा है, ये वैल्यू डेल्टा ओमेगा और ये वैल्यू डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट को इस चौड़ाई से डिवाइड कर दो, ओमेगा नॉट को इस चौड़ाई से डिवाइड कर दो, और अगर ये वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब इट विल बी मोर शार्प, और अगर ये वैल्यू स्मॉल होगी, कैन आई से दैट रेजोनेंस विल बी लेस शार्प? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय, मतलब ओमेगा नॉट है मान लो हमारा से 2000 और ये हो गया सपोज 2000 प्लस 10 और ये हो गया 2000 माइनस 10। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तो क्वालिटी फैक्टर को इसने कैसे डिफाइन कर दिया, 2000 डिवाइडेड बाय 20। सही है कि नहीं है? तो अगर ये वैल्यू लार्ज होगी तो ज्यादा शार्प होगी, ये चौड़ाई कम है, और अगर इसी वाले चौड़ाई चौड़े वाले में देखेंगे तो ये चौड़ाई ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना, तो ये रिजोनेंस क्या हो जाएगी, लेस शार्प हो जाएगी। गाइस गॉट इट और नॉट? स्मॉल हो जाएगी क्यू वैल्यू, स्मॉल हो जाएगी क्यू वैल्यू। अब इसमें दो स्टोरी बनती है, पहले तो ये IMAX/√2 क्यों लिया है इसने, IMAX/√2 क्यों लिया है? इसके पीछे तो लॉजिक बहुत आसान है। हमने ये कहा जब हमारा हीट जनरेटेड निकालेंगे, हीट जनरेटेड निकालेंगे तो
एट रिजोनेंस कितना होगा गाइस? आई पीक की मैक्सिमम वैल्यू का आरएमएस स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और अगर मैंने कहा हीट जनरेटेड व्हेन करंट की पीक वैल्यू इस करंट की पीक वैल्यू का मैक्सिमम बाय रूट टू कर दूंगा, तब कितनी हो जाएगी? आई नॉट मैक्सिमम बाय रूट टू की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर इनटू आर। क्या मैं ये कह सकता हूं ये मैक्सिमम हीट का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इज दैट फाइन और नॉट? मैक्सिमम हीट का हाफ हो जाएगा। तो पहले तो ये समझ में आना जरूरी था कि इसने इतना ऊटपटांग वैल्यू क्यों ली कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू का रूट टू टाइम्स कम हो जाए, मैक्सिमम पॉसिबल का रूट टू टाइम्स कम हो जाए, सीधा आधा ही क्यों नहीं बोल दिया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चौड़ाई देखने के लिए वो चाहता तो आधा भी ले सकता था, उससे भी पता चल जाएगा कि भैया 1/√2 की जगह 1/2 कर दें तो यहां से कुछ हो जाएगा। एम आई राइट गाइज? उसने कहा यार रूट टू इसलिए ले लो क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं हीट के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसने कहा ठीक है, लेट अस हाउ विल डिफाइन क्वालिटी फैक्टर में करंट की चौड़ाई को लेके कि ये ग्राफ कितना चौड़ा हो जाए। उसने कहा करंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का क्या हो जाए? 1/√2 हो जाए। गाइज ये समझ में आया? क्योंकि फिर हीट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम का आधा हो जाएगी। एम आई राइट? जो हीट मैक्सिमम वाले केस में, मैक्सिमम केस वाले में जनरेट हो रही होगी, इस केस में उसका हीट क्या हो रहा होगा? उसका हाफ जनरेट हो रहा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा। इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक रैंडम वैल्यू चूज करी जिसके बेसिस पे वो डिफाइन करना चाह रहा है क्वालिटी फैक्टर। सही है? रैंडम वैल्यू चूज करी उसने रैंडम वैल्यू बाय रूट टू क्यों चूज करी उसका मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसने हीट को सोच के चूज किया है। उसने कहा मैक्सिमम हीट का हाफ जनरेट हो रहा हो, मैक्सिमम पॉसिबल हीट का हाफ जब हो जाए उस ओमेगा की बात करना चाहूंगा मैं। इज दैट फाइन और नॉट? ठीक है यहां तक? अब यहां पर अब ये बेसिकली डेल्टा ओमेगा निकालना चाह रहा है। ये बेसिकली क्या करना चाह रहा है? अब क्वेश्चन वाला वांट्स अस टू फाइंड दिस डेल्टा ओमेगा व्हेन द करंट बिकम्स मैक्सिमम का रूट टू। अब ये बता दो करंट मैक्सिमम कितना था हमारा? I नॉट मैक्सिमम कितना था? V नॉट बाय R। सही है? उसका डिवाइडेड बाय रूट टू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस केस में करंट मैक्सिमम का होना कितना चाहिए? V नॉट बाय Z। ये होना चाहिए V नॉट अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। ये कौन सा ओमेगा हो गया गाइस? क्या मैं ये कह सकता हूं ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हो गए? ये ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हो गई। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या हो गया? इसको बोल दो ओमेगा 2 और इसको बोल दो ओमेगा 1। ये इसके रूट हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? ये चीज अगर समझ में नहीं आई है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। पहले जो एक्सप्रेशन जो लिखा है वो यही लिखा है। शुड आई रिपीट एवरीबडी? आई एम वेटिंग। इफ somebody वॉन्ट्स मी टू रिपीट लेट मी नो। कर दो क्या कह रहे हो यार? हम ये कह रहे थे बेटा ये ओमेगा था
ये करंट की पीक वैल्यू पॉसिबल थी और ये ऐसा ग्राफ बन रहा था, ये ओमेगा नॉट था, इसकी यहाँ पर पीक वैल्यू, मैक्सिमम पीक वैल्यू पॉसिबल है वी नॉट बाय आर। ये कह रहा है कहीं ना कहीं ये करंट की पीक वैल्यू हो जाए जो मैक्सिमम पॉसिबल थी उसका 1/√2। सही है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल थी ओमेगा नॉट पे, तो कुछ ओमेगाज पे, कुछ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू वैल्यूज पर करंट की पीक वैल्यू वी नॉट बाय, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है उसका √2 times कम हो गई। इज दैट फाइन? वो रूट टू इसने आर्बिट्रेरली क्या सोच के लिया है कि यहां पर जो हीट जनरेटेड थी, यहां पर उस हीट जनरेशन का क्या हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, हाँ या ना? अब ये बता दो, ये करंट की पीक वैल्यू यहां पर है, करंट की पीक वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? क्या मैं कह सकता हूं दैट विल बी वी नॉट बाय जेड? यहां पे तो जेड आर के बराबर नहीं है ना, यहां पे तो इंपीडेंस क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc का होल स्क्वेयर। इज दैट फाइन? यस सर। अब इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नॉट कट जाएगा, ये बन जाएगा 2R² इज आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc का होल स्क्वेयर, ये बन जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ωc शुड बी इक्वल टू आर। सही है यहां तक? इसके बाद मैंने कहा ये क्वांटिटी थी ओमेगा नॉट, ये था डेल्टा ओमेगा, ये था डेल्टा ओमेगा, क्या मैं यहां पर ओमेगा ओमेगा की जगह लिख सकता हूं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इज आर। मुझे निकालना क्या था? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, और रादर फॉर्मूला छोड़ो, डेफिनेशन क्या थी? दे डिफाइंड क्वालिटी फैक्टर एज ओमेगा नॉट अपॉन 2 delta ω, ओमेगा नॉट अपॉन 2 delta ω। इज दैट फाइन? और ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब शार्प रेजोनेंस है, और अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो कमजोर रेजोनेंस है, हाँ या ना? अब बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, और क्या करना है, इसको लिख दो ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1/c, यहां पर ओमेगा नॉट ले लो कॉमन, यहां पे आ जाएगा 1 - Δω अपॉन ओमेगा नॉट इज आर। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दो, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है अज्यूम करके कि डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1। शुड आई रिपीट, शुड आई गो बैक अ बिट? नहीं आया समझ में, जल्दी जल्दी कर दिया थोड़ा। मैं ये कह रहा हूं ये लिख दो ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1/c, ओमेगा नॉट ले लो कॉमन, ये बन जाएगा 1 + Δω/ω0 इज आर। सही है यहां तक? अब लिख दो ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा नॉट, इसको लिख दो 1 + Δω/ω0 की पावर माइनस 1 इज आर। यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो अज्यूमिंग डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 + x की पावर n को हम क्या लिख देते हैं, अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 है तो 1 + nx लिख देते हैं, एम आई राइट? हायर पावर्स को इग्नोर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा नॉट
वन माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज आर, बस खोलते जाओ इसे, ये आ जाएगा। अच्छा ओमेगा नॉट क्या था, किसी को याद आ रहा है ओमेगा नॉट क्या था? वन बाय रूट एल सी, बिल्कुल सही, वन बाय रूट एल सी। तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस वन बाय सी ओमेगा नॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू सी इज आर। ये चीज तो कटी गई, हाँ ये तो कट गई ना, क्योंकि ओमेगा नॉट एल माइनस वन बाय ओमेगा नॉट सी ही तो जीरो किया था, या ये कहो ओमेगा नॉट को ही तो वन बाय रूट एल सी लिखा था। क्या बन गया? डेल्टा ओमेगा एल प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर को वन बाय एल सी लिख दो इज आर। ये बन जाएगा डेल्टा ओमेगा टू डेल्टा ओमेगा इज आर बाय एल। क्वालिटी फैक्टर क्या था, व्हाट वाज क्वालिटी फैक्टर? ओमेगा नॉट अपॉन टू डेल्टा ओमेगा, दैट इज ओमेगा नॉट एल बाय आर, या चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट एल बाय सी इंटू वन बाय आर। Everybody got it or not? Sir. सबको ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? ओमेगा नॉट को वन बाय रूट एल सी लिख देना, ठीक है? Yes, sir. ये डेरिवेशन इसलिए कराया है मैंने कि ये कई बार बोर्ड में आ भी सकता है, तो तुम्हें आना चाहिए पहली चीज, और दूसरा कई बार मेंस और नीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए क्वालिटी फैक्टर निकाल दो। अरे और तो और कई बार तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ही पूछ लिया है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, कितना कितना होता है। अच्छा कई बार, और ये भी नहीं कि लास्ट फॉर्मूला पूछा, कई बार बीच से पूछ लिया। बीच से पूछने का मतलब ये है ओमेगा नॉट अपॉन टू डेल्टा ओमेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि कुछ बच्चे एंड का रिजल्ट रट के बैठे हुए हैं ओमेगा नॉट एल बाय आर, हाँ या ना? ओमेगा नॉट एल बाय आर की जगह थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके पूछ लिया। ये सबको समझ में आया है या नहीं आया कि भाई अकेला एक फॉर्मूला रटने से भी काम नहीं चलेगा कि क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा नॉट एल बाय आर? वो कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं ओमेगा नॉट बाय टू डेल्टा ओमेगा, ठीक है कि नहीं है, या डेल्टा ओमेगा कितना हो जाएगा, ये पूछ लिया, क्वालिटी फैक्टर नहीं पूछा, कुछ और ही पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर, डेल्टा ओमेगा कितना होगा, हाँ या ना? तो तुम्हें डेरिवेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा, समझ में आ गया है ना क्वालिटी फैक्टर वाला पार्ट? हाँ सर, पक्का? हाँ सर।